तो यार मैं हूँ भारत माला रोड पे, ये रोड जा रही है तनौत की तरफ। मैं हूँ जैसलमेर से। तनौत में है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तनौत वो जगह है और आज मैं आपको वहीं ले जाने वाला हूँ। दिल्ली से। अच्छा, आगे तनौट माता। हाँ जी बिल्कुल। आप? हम यहाँ राजस्थान से, जैसलमेर आसपास से ही। जी बिल्कुल, खुयाला से। खुयाला जी बिल्कुल। अभी आगे कितना है? 110 किलोमीटर। आपका नाम? मेरा नाम मुनाफ खान। बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। सागर? बिल्कुल। सुबह सुबह यहाँ पे तो लोग 12 बजे तक तो ट्रैफिक रहता है, 10-11 बजे तक। okay. उसके बाद धीरे धीरे गाड़ियाँ आती है। और वापसी कब जाने लगते हैं? वापसी शाम को 3 बजे के बाद। ठीक है। और जैसे ये रोड बने कितना टाइम हो गया है? इनको तो लगभग 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। 1 साल से टोल टैक्स चल रहा है। टोल टैक्स, बढ़िया रोड बन गया है, एकदम क्लियर। मक्खन रोड है बिल्कुल। बिल्कुल एकदम क्लियर है तनौट माता तक। तो यार अभी टोल से हम निकल चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रोड पे सिर्फ एक ही टोल है जैसलमेर के बाद तनौत तक। तो यार बाइक वहाँ खड़ी कर दी है। यही है अपना भारतमाला रोड है। ये पूरी रोड अभी तक बहुत ही मक्खन है, मतलब एक बम्प नहीं मिलेगा आपको पूरी रोड पे। और पूरी ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच जा रहा है, इवन आई गेस दिल्ली भी जाती है। ये मक्खन रोड है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। ये एक छोटा सा गांव या कस्बा पड़ा है और ऊपर चलते हैं, कोशिश करेंगे अगर ड्रोन उड़ा पाए तो। अरे भाई रेत। अरे यार आओ, ये कह रहे हैं आराम से चढ़ जाएंगे, मेरे को चढ़ना ही नहीं आता। चढ़ तो गया आराम से, साल जूतों में पूरी रेत भर गई यार। मिट्टी घुसेगी। ये आप देख रहे हो, ये कुछ रखने की जगह है, यहाँ मवेशी वगैरह रखते हैं गांव वाले लोग। सा आराम किया, नज़ारा देखे, अब आगे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। पहुंच गया हूँ तनौत। ये सामने जो रोड है जैसलमेर से आ रहे और भारतमाला रोड आगे चला जा रहा है। काफ़ी लंबा स्ट्रेच है पूरा, काफ़ी एरियाज़ को कवर करता है। फ़िलहाल मैं तनौत पहुंच गया हूं जहां पे मेरे को आना था। कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब आप पूरे रोड पे एक बम्प भी नहीं पा सकते। एक बम्प अगर आप ढूंढ के दिखा दो तो मेरे से पैसे ले लेना। और बाकी आगे जाते हैं, मंदिर विज़िट करते हैं, हो सका तो चलेंगे बॉर्डर जो फेंसिंग है, परमिशन मिली तो वहाँ पर भी होके आएंगे। ये है BRO का एक माइलस्टोन। BRO वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर पे रोड्स बनाती है, और भी जितनी भी मुश्किल भरी जगहें होती हैं वहाँ पे आप जाओगे, लद्दाख से लेके यहाँ तक और मतलब नॉर्थ ईस्ट तक, हर जगह बॉर्डर BRO ही बनाती है। ये है तनौत माता का मंदिर, अंदर का कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है। ये वो मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा बमबारी के बावजूद भी बचा रह गया था। यहाँ पे एक प्राचीन कुआं है
और आर्मी के द्वारा यूज़ होता होगा ये पहले। ये कुआँ है, काफ़ी काफ़ी गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। ये है मेन मंदिर। तो यार ये वो बॉम्ब शेल्टर जो यहाँ पे गिरे थे लेकिन फटे नहीं। अनएक्सप्लोर्ड, ये वही बॉम्ब्स हैं, ये नीचे पड़े हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब बम गिरे थे और वो फटे नहीं, तो वो जो ब्लेसिंग थी वो टनौत माता की थी। तो उन्होंने इस पूरे एरिया को सेफ रखा था। और एक भी मतलब जितने भी बम गिरे, बहुत ज़्यादा बम गिरे थे, वो बिल्कुल कोई भी कामयाब नहीं हो पाया था। यह है इंडो पाक बॉर्डर का गेट। पहले ये बॉर्डर पूरा खुला रहता था, मतलब वॉर जो हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उससे पहले ये पूरा बॉर्डर ओपन रहता था, लोग आते थे जाते थे।